तो स्कूटी और बाइक किस लिए होती है? उससे जिम जाकर साइकिल चलाएं। अच्छा बकवास था। देखिए टू व्हीलर की एक अपनी कैपेसिटी होती है और जितनी कैपेसिटी है उतनी ही काम लिया जाए तो बेहतर है। लेकिन कुछ लोग भैया टू व्हीलर से फोर व्हीलर का काम निकालते हैं और ऐसी वीडियो आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में एकदम अंत तक बने रहिएगा, एकदम गारंटी के साथ भरपूर मजा आने वाला है। अब आपको एक फ्रिज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो आप क्या करिएगा? ठेले वाले को, रिक्शे वाले को बुलाइएगा कम से कम। ये देखिए, भाई ये ठेले और रिक्शे वाले का रोजगार खा रहे हैं, वो दूसरी बात है। पहली बात ये कि अगर ये गिर गया तो फिर इस फ्रिज का कितना भाव रहेगा। फिर भी इस टैलेंट को सैल्यूट है यार। जो चीज़ें हल्की होती है उसे हम बहुत सारा एक साथ ले जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा लोडिंग कर ले। मतलब पीछे से पता ही नहीं लग रहा कि बाइक है, ठेला है, रिक्शा है, गाड़ी है, क्या है। एक हवा की झोंका चली और पतंग की तरह उड़ने का चांस बना रहता है। और ये थर्मोकोल वाले भाई साहब को देखे, एक ट्रक 80 की स्पीड से बस बगल से गुजर जाए फिर क्या होगा सोचिए। वैसे आपने बड़ी भरी हुई बोरी को बाइक पर लाद के, गलत फुटेज मत लगाओ यार, मतलब कितने लाद के लिए जा चुके होंगे आप अभी तक? भाई तीन बोरी लादी गई, पीछे एक लटकाया गया और खुद आगे लटक रहा है सीट को एक्सटेंड करके। छोड़ी बच्ची हो क्या? लेकिन भाई ये भी कुछ नहीं था, आगे वाला देखे इसका भी दादाजी है। तो ध्यान से देखे, तीन पीछे है, तीन आगे है और रास्ते भी उसी लेवल के। देखिए लोडिंग के बाद चलाना तो दूसरी बात है, लेकिन इसे लोड करना भी एक अपने आप में कलाकारी है। हाँ? यहाँ पे देखिए समझ नहीं आ रहा यार कैसे बांधा गया है, क्योंकि बांधा हुआ कुछ दिख ही नहीं रहा है। समझ में आया क्या? अबे अकल के अंधे, ट्रांसपेरेंट टेप से चिपकाया गया है। इसके पास अकल ज्यादा होने लगा है आजकल। चौराई में कार जैसा, हाइट में पहाड़ जैसा। हाँ? लेकिन ये भी कुछ नहीं है, इसके आगे एक और देखे। All you can really say is, wow. भाई यहाँ पे पूरा ट्रक खाली करके बाइक पे लटका लिए हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक। हाँ? ऐसे सुपर लोग आते कहाँ से? और अब जो दिखाने वाला हूँ पीछे से बिल्कुल भी बाइक नहीं लग रहा है, और इतना सामान सिर्फ और सिर्फ आप ठेले पे या किसी ऑटो वाले, ढाले वाले जो ऑटो आते हैं उसी पे ले जा सकते हैं, उसमें भी भर जाएगा। हाँ? लेकिन इस टैलेंट को यार बायां हाथ दायां हाथ दोनों से सैल्यूट।
भाई कसम से जीवन में ऐसे अपने आंखों से तो क्या, वीडियो में भी ऐसा ओवरलोडिंग नहीं देखा था। और अब दिखाता हूँ हरी भरी घूमती हुई बगीचा। मतलब कैमरे में कैप्चर करने वाले ने पीछे से लेकर आगे तक गया लेकिन ड्राइवर नहीं दिखा। ऐसा लग रहा है कि यार पेड़ ही अपनी बाइक पे कब्जा करके ड्राइव करके जा रहे हैं। हाँ? ऐसे कैसे लोड कर लेते हैं भाई। एक और दिखाता हूँ, यहाँ पे फूल के साथ गमला वमला सब लटक के जाए जा रहा है। सही यार, चलती फिरती बगीचा। वैसे अब आपको मैं चिड़ियाघर दिखाने जा रहा हूँ। हाँ? लेकिन एक चीज पूछना चाहूंगा कि बचपन में आपने चिड़ियाघर बहुत बार सुना है, देखा भी है, लेकिन यार एक बात समझ नहीं आती कि चिड़ियाघर में चिड़ियों से ज्यादा जानवर होते हैं, फिर भी चिड़ियाघर क्यों बोला जाता है, ये नाइंसाफी क्यों। फिलहाल ये चिड़ियाघर देखें। बहरहाल एक और चीज दिखाता हूँ और इसे देखकर आप बिल्कुल हिल जाइएगा, बिल्कुल, क्योंकि ये इतना हिलने वाला ही चीज है ना। देखिए पहले तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको लग रहा होगा कि दो लोग हैं, लेकिन गौर से देखिए, एक ही आदमी है, एक सपोर्ट लगाए हुए है और अकेला इंसान ड्राइव भी कर रहा है और इतना बड़ा मेटल के पैनल या पाइप जो भी है उसे लेके जा रहा है। भाई सच में ये सुपर ड्राइवर था, सिर्फ बैठ के पाइप को संभालने के लिए बोल दिया जाए तो काफ़ी लोग ना कर पाए, ये दोनों काम एक साथ कर रहा है भाई। पर जो भी है यार, ये सब खतरनाक है और हादसे हो सकती है, तो ऐसे चीज़ें ना करें जो औकात से बाहर हो। वैसे एक और मस्त सा चीज़ दिखाऊंगा और वो क्या बात है सर, ये बात है। भरे हुए खुले रोड पे ऐसा कारनामा और बैलेंसिंग तो देखिए। खैर तो आज के वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि नया चीज़ देखे होंगे, लेकिन ऐसा चीज़ करिएगा मत, दो बार करिए, तीन बार में हो तीन बार में करिए, तीन बार का काम एक बार करिएगा तो फिर एक बार ऐसा होगा कि तीन दिन के लिए आप चले जाइएगा, तो सावधानी बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ हम अपना दो लाइन सुनाते हुए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। कि जा रहा था गुनगुनाते हुए, मन में ख्यालों का समंदर था, फिर ट्रक का हॉर्न सुन के नाले में कूद गया, पीछे मुड़कर देखा तो स्प्लेंडर था। बाइक वालों, बाइक में ट्रक का हॉर्न लगाना बंद करो, ऐसे कांड होते रहते हैं। सच में भाई कूद जाते हैं, ऐसा हॉर्न मारो पूरा रोड खाली हो जाता है और बाद में सबके दिल से गाली हो जाता है। तो बात वही था यार कि टू व्हीलर को फोर व्हीलर बनाने की काम ना करें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए और मस्त मज़ेदार टॉपिक के साथ। आप चाहे तो टॉपिक को कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।